बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। मैंने अभी हाल ही में दिनांक 29 अक्टूबर को जो ये कहा था कि सपा को उसके दलित विरोधी कृत्यों का जैसे को तैसा जवाब देने के लिए यूपी में जल्द ही आगे होने वाले एमएलसी के चुनाव में सपा के दूसरे खड़े किए गए प्रत्याशी को हराने के लिए बीएसपी को चाहे बीजेपी व अन्य किसी भी सपा प्रत्याशी के मुकाबले में भारी पड़ रहे। अकेले मैंने बीजेपी की बात नहीं कही थी, मेरा प्रेस नोट भी जारी हुआ है और मेरा वर्बली बयान भी है। तो मैंने इनके ये जो दलित विरोधी कृत्य थे तो उसका जैसे को तैसा जवाब देने के लिए यूपी में जल्द ही आगे होने वाले एमएलसी के चुनाव में सपा के दूसरे खड़े किए गए प्रत्याशी को हराने के लिए बीएसपी को चाहे बीजेपी व अन्य किसी भी सपा प्रत्याशी के मुकाबले में भारी पड़े या एमएलसी के प्रत्याशी को यदि वोट देना पड़ता है तो हम जरूर देंगे, लेकिन सपा के दूसरे खड़े किए गए एमएलसी के प्रत्याशी को हम किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगे और इस पर बीएसपी अभी भी कायम है। अपने इस बयान पर बीएसपी अभी भी कायम है। हालांकि मेरे इस बयान को खासकर कांग्रेस व सपा आदि के लोग अपने राजनीतिक लाभ के लिए इसे काफी गलत तरीके से भी प्रचारित कर रहे हैं, मुझे ये मालूम हुआ है, ताकि यहाँ खासकर मुस्लिम समाज के लोग बीएसपी से अलग हो जाए। और ये जो यूपी में 7 विधानसभा की सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है तो इस बाई इलेक्शन में मुसलमानों का वोट बीएसपी को ना पड़े, ये इसको गलत तरीके से मेरे इस बयान को प्रचारित कर रहे हैं। ताकि यहाँ खास मैं फिर बोलती हूँ, ताकि यहाँ खासकर मुस्लिम समाज के लोग बीएसपी से अलग हो जाएं, जिसमें इनको लाख जतन करने के बावजूद भी कोई कामयाबी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रदेश के मुस्लिम समाज के लोगों को ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि बीएसपी ने विशेष परिस्थितियों में या फिर पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में उत्तर प्रदेश में यहाँ की जनता के हित में जब भी बीजेपी के सहयोग से या फिर बीजेपी के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई है तो तब फिर हमने दूसरी पार्टियों की तरह अपने राजनीतिक स्वार्थ में कभी भी अपनी पार्टी की मूवमेंट व विचारधारा के खिलाफ जाकर कोई भी गलत कार्य नहीं किया है और हमने केवल भारतीय संविधान के मुताबिक चलकर यहाँ सर्वजन व सर्वधर्म हिताय एवं सुखाय की नीतियों पर आधारित ही अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से सरकार चलाई है, जिसकी खास वजह से ही जब जब भी यूपी में बीएसपी ने बीजेपी के सहयोग से या फिर उनके साथ मिलकर मिली जुली सरकार बनाई है तो तब तब फिर यहाँ बीजेपी काफी हद तक कमजोर हुई है, ये बात भी सर्वविदित है। लेकिन वही दूसरी तरफ जब जब यहाँ समाजवादी पार्टी सत्ता में आई है तो तब तब यहाँ बीजेपी काफी मजबूत हुई है तथा फिर ये सत्ता में भी आसीन हुई है ये पार्टी, और सपा के खास वजह से ही अभी भी ये पार्टी यहाँ सत्ता में आसीन है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बावजूद भी बीएसपी ने अपने चारों रहे शासनकाल में यहाँ एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होने दिया है, ये आप लोग रिकॉर्ड उठाकर देख सकते हो। बीएसपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के बावजूद भी बीएसपी ने अपने चारों रहे शासनकाल में यहाँ एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होने दिया है,
जबकि वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस में सपा का शासनकाल हिंदू मुस्लिम दंगों से काफी भरा रहा, जिसके अनेकों उदाहरण हैं, जिसमें हिंदू व मुसलमानों का काफी जानी माली नुकसान हुआ है और इतिहास भी इस बात का गवाह है, जिसे ये झुटला नहीं सकते। इसके साथ ही हमारी पार्टी ने अपने चारों रही सरकारों में मुसलमानों को भी हर मामले में उनके आबादी के हिसाब से उन्हें उचित प्रतिनिधित्व भी दिया है, चाहे वो जनरल इलेक्शन हो या बाई इलेक्शन हो। अभी यूपी में 7 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो 7 में से हमने 2 टिकट मुस्लिम समाज के को दिए हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि हमने यूपी में चाहे अकेले अपने बलबूते पर अपनी सरकार बनाई है या फिर बीजेपी के सहयोग से या उनके साथ मिलकर भी सरकार बनाई है, तो हमने यहाँ मुस्लिम समाज का भी किसी भी मामले में कोई भी नुकसान नहीं होने दिया है। वैसे तो हमने सर्व समाज के हितों का पूरा ध्यान रखा है, लेकिन हमने यहाँ खासकर मुस्लिम समाज का भी किसी भी मामले में कोई भी नुकसान नहीं होने दिया है। और इसके लिए हमने अपनी सरकार तक भी और इसके लिए हमने अपनी सरकार तक की भी कुर्बानी दे दी है, जो ये सब जग जाहिर है। और इस संदर्भ में यहाँ मैं उन्हें ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि जब सन 1995 में मेरी पहली बार बनी सरकार के दौरान मथुरा में बीजेपी व आरएसएस के लोगों ने यहाँ मुसलमानों की ईदगाह पर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नई परंपरा शुरू करनी चाहिए, तो तब उसे हमने किसी भी कीमत पर शुरू नहीं होने दिया था, जिसके कारण उस समय मेरी सरकार तक भी चली गई थी, जिसे सपा व कांग्रेस पार्टी के लोग भी छुटला नहीं सकते हैं। इसके बाद सन 2003 में बीएसपी व बीजेपी गठबंधन की बनी सरकार में जब बीजेपी ने कुछ समय के बाद देश में होने वाले लोकसभा आम चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का हम पर दबाव बनाया था, तो तब फिर हमारी पार्टी ने उस समय उनको यही कहा था कि बीएसपी की विचारधारा सर्वजन व सर्वधर्म हिताय एवं सुखाय के साथ ही पूर्ण रूप से धर्मनिरपेक्षता के आधार पर आधारित है, लेकिन बीजेपी की विचारधारा ठीक इसके बिल्कुल विपरीत है। तो ऐसे में बीजेपी के साथ गठबंधन करके देश में कोई भी चुनाव लड़ना बीएसपी के लिए संभव नहीं हो सकता, चाहे लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, या इस समय जो प्रचार कर रहे हैं कुछ गलत कि बीएसपी ने बाई इलेक्शन में बीजेपी को समर्थन दे दिया है, उस वीडियो वायरल भी कर रहे हैं बुलंदशहर की सीट को लेकर, ये बिल्कुल गलत है, झूठ है। तो अभी तक हमने कोई अलायंस नहीं किया है, तो ये बाई इलेक्शन में क्या करेंगे? ये तो 7 सीटों का मामला है, इसमें हम क्या करेंगे? तो ऐसे में बीजेपी के साथ गठबंधन करके जब इनकी आइडियोलॉजी, इनकी विचारधारा हमारी आइडियोलॉजी से ठीक इसके बिल्कुल विपरीत है, तो ऐसे में बीजेपी के साथ गठबंधन करके देश में कोई भी चुनाव लड़ना बीएसपी के लिए संभव नहीं हो सकता है, जिसके कारण फिर उस समय भी हमें अपनी खुद की सरकार छोड़नी पड़ी थी। समय से पहले ही लोग कुर्सी के पीछे भागते हैं, लोग अपने असूलों और सिद्धांतों को ताक पे रख देते हैं, लेकिन मैंने अपने असूलों और सिद्धांतों को ताक पे नहीं रखा। कुछ ही महीनों के अंदर मैंने जब इनकी बात नहीं मानी तो मैंने अपनी सत्ता खुद छोड़ दी थी, जो इतिहास के पन्नों में खासकर यहाँ धर्म निरपेक्षता को मजबूत बनाने के लिए हमेशा दर्ज रहेगा, वह याद भी किया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी आपको ये मालूम है, लेकिन इसके बाद जब मैंने अपनी गवर्नमेंट खुद छोड़ दी थी कुछ ही महीनों के अंदर और इनकी बात नहीं मानी बीजेपी की, ये चाहते थे कि हमारे साथ मिलके चुनाव लड़ें लोकसभा का, हमने मना कर दिया, आपकी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी अलग है।
तो उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार चल रही थी, लेकिन हमने अपनी गवर्नमेंट खुद छोड़ दी थी, कुर्सी खुद छोड़ दी थी, लेकिन बीजेपी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद फिर केंद्र में चल रही बीजेपी की सरकार ने एक और फिर अटेम्प्ट किया मेरे ऊपर दबाव बनाने के लिए, किसका, सीबीआई और ईडी का। सीबीआई और ईडी का गलत इस्तेमाल करके मेरे खिलाफ, मेरे माँ बाप भाई बहनों के खिलाफ, रिश्ते नातों के खिलाफ, तो इन्होंने एक ही दिन में रेड की सीबीआई द्वारा, और काफी मुझे इन्होंने परेशान किया। तो लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी, ये भी मैं याद दिलाना चाहती हूँ, विपक्ष में थी, तो मुझे याद है, तो उस समय श्रीमती सोनिया गांधी ने मुझे टेलीफोन करके ये कहा, रेड वाले, जब रेड हो गई थी उसके बाद, कि जब हमारी सरकार आएगी आपके साथ जाती हुई है, हम आपको न्याय जरूर देंगे। लेकिन इत्तेफाक ही था कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी पावर में आ गई और कई साल तक सेंटर में पावर में रही, और हमने श्रीमती सोनिया गांधी को, उनको ये याद दिलाया कि आपने जो आश्वासन दिया था हमें, हम आपसे गलत काम नहीं कराना चाहते, जो सही है जांच पड़ताल करके हमें न्याय दे दो। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी की भी बात निकली, और कांग्रेस पार्टी ने इस मामले को कई साल तक लटका के रखा, और इसकी आड़ में वो घिनौनी राजनीति करते रहे, हमें दबा के रखते रहे, लेकिन हमारे खून में दबना नहीं था। और फिर हमारी पार्ट, फिर हमने ये फैसला लिया कि अब हम कोर्ट कचहरी में जाएंगे। हम कोर्ट में गए, माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए, और अच्छी बात यह है कि हमको माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्याय मिला। और आज मैं पुनः इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि बीएसपी किसी भी कीमत पर पूरे देश में, खासकर यहाँ बीजेपी जैसी संकीर्ण व सांप्रदायिक ताकतों का साथ नहीं दे सकती है, तथा ना ही ऐसी पार्टियों के साथ मिलकर कभी भी कोई चुनाव आदि लड़ सकती है। लेकिन फिर भी मेरे दिनांक 29 अक्टूबर को दिए गए बयानों को इसे षड्यंत्र के तहत काफी गलत तरीके से प्रचारित करके व उसकी आड़ में यदि कोई भी विरोधी पार्टी बीएसपी को राजनीतिक नुकसान पहुंचाना चाहे, तो उसे हम किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। हमारी पार्टी के लोग उसे किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देंगे। इसलिए पूर्व की तरह आगे भी बीजेपी के साथ मिलकर कोई भी चुनाव लड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसे भी आज मैं फिर से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ, और ये भी मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, संकीर्ण ताकतें हैं, उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा किसी भी कीमत पर नहीं होता है। और ये मैं बताना चाहती हूँ खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को कि मैं राजनीति से तो संन्यास ले लूंगी, लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकती। और मैं क्यों लूं राजनीतिक संन्यास, बीजेपी के दबाव में आके लोग कहते हैं, मुझसे लोगों ने कहा कि बहन जी दबाव बनाए, मैंने कहा राजनीति से संन्यास तो ले लूंगी लेकिन इनके साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ूंगी। लेकिन मैं कोई राजनीतिक संन्यास नहीं लेने वाली हूँ, मैं बहुत मजबूत हूँ, बहुत तकड़ी हूँ और बहुत ही स्वाभिमानी हूँ। और ये मैं बताना चाहती हूँ कि मुझ पर चाहे कांग्रेस, सपा, बीजेपी कितने भी दबाव बनाए, मैं दबने वाली नहीं हूँ, ना राजनीति से संन्यास लेने वाली हूँ। और मैं हर मोर्चे पर जो जातिवादी ताकते हैं, पूंजीवादी ताकते हैं, संकीर्ण व सांप्रदायिक ताकते हैं, उनका मैं बराबर मुकाबला करती रहूंगी और उनसे मैं तिल भर भी घबराने वाली नहीं हूँ। मुझसे बहुत से लोग कहते रहते हैं, हमने बोला सवाल ही पैदा नहीं है चुनाव लड़ने का, जब तक मैं जिंदा हूँ तो ये ऐसा संभव नहीं हो सकता है। और मैं खास तौर से सन 2003 में जो मेरे साथ हुआ है उसको क्या मैं भुला सकती हूँ, क्या मेरा समाज भुला सकता है? जब उस समय माननीय श्री कांशीराम जी की तबीयत खराब थी और हॉस्पिटल में एडमिट थे, मेरे साथ क्या क्या नहीं हुआ सेंटर में बीजेपी की सरकार के दौरान,
तो इसलिए ये कदापि नहीं भुला जा सकता। इनके साथ मिलकर चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जब इनके साथ हमने मिलकर सरकार बनाई भी थी या बाहर से या मिलकर, तो हमने अपनी शर्तों के आधार पर, हमने किसी भी समाज के साथ, किसी भी धर्म के लोगों के साथ हमने जाति नहीं होने दी थी किसी भी मामले में। ये इस बात का खास एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ कि यही मुख्य वजह थी कि मेरी हुकूमत में कोई भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ, लोग थरथर कांपते थे। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना जरूरी समझती हूँ कि सन 1995 में जब सपा सरकार के खासकर माफिया व गुंडा राज से यूपी की जनता व सभी विरोधी पार्टियां काफी दुखी व आतंकित थी, तो तब फिर उस समय प्रदेश व आम जनहित में सभी विरोधी पार्टियों की एक मत ये राय थी कि यदि बीएसपी सपा से अलग होकर सरकार बनाने के लिए आगे आती है तो तब फिर सभी विरोधी पार्टियां मिलकर यहाँ सपा के जंगल राज व कुशासन से मुक्ति पाने के लिए बीएसपी को पूरा साथ देंगी, पूरा अपना समर्थन देंगी। और जिसमें अकेली बीजेपी आगे नहीं थी, कांग्रेस पार्टी भी थी और भी अन्य छोटी मोटी पार्टियां, सबने कहा था कि हम लोग सब दुखियां, आप अलग हो जाओ, हम आपको बाहर से समर्थन देंगे। इसके बाद फिर प्रदेश में आम जनहित में तथा यहाँ लोकतंत्र को बचाने व विधायकों की खरीद फरोख्त को रोकने एवं खासकर गरीब व कमजोर वर्गों के ऊपर लगातार हो रहे शोषण पर भी अंकुश लगाने के लिए तब हमने यहाँ सपा सरकार से अलग होने का फैसला लिया। और फिर यहाँ खासकर कांग्रेस व बीजेपी आदि इन सब के समर्थन से बीएसपी की सरकार भी बनाई थी। यदि कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि बीजेपी ने भी हमको समर्थन दिया तो फिर ये क्यों साथ में बीजेपी के साथ खड़े रहे? हालात होते हैं, कभी कभी डिसीजन लेने पड़ते हैं आम जनहित में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि हमारी पार्टी ने उस समय ऐसा करके अपनी पार्टी की मूवमेंट व विचारधारा के साथ इन पार्टियों से कोई भी समझौता आदि किया था। इसलिए बीएसपी के राज्यसभा प्रकरण में अभी हाल ही में दिए गए बयान को खासकर बीजेपी के साथ मिलने से जोड़कर इसे कतई भी नहीं देखना चाहिए, बल्कि मेरे उस बयान का यहाँ लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने व पूंजीवाद का खात्मा करने तथा दलितों को न्याय दिलाने से जोड़कर ही देखना चाहिए तथा साथ ही उसका स्वागत भी करना चाहिए, ना कि उसकी आड़ में कोई भी घिनौनी राजनीति आदि करनी चाहिए। ऐसी मेरी उनको सलाह भी है। इसके अलावा मुझे ये भी मालूम हुआ है कि मेरे इसी बयान को लेकर यूपी के कुछ बीजेपी के नेता भी ये कह रहे हैं कि हम अकेले ही सपा के दूसरे एमएलसी के उम्मीदवार को चुनाव हराने के लिए हर मामले में पूरे तौर से सक्षम हैं, हमें बीएसपी के समर्थन की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन बीजेपी के इस बयान को सुनकर हमारी पार्टी को कतई भी खराब व बुरा नहीं लगा है, अर्थात ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा है, बहुत सुकून आया है, अर्थात ये सुनकर हमें बहुत अच्छा लगा है व दिल को काफी शांति भी मिली है। इसलिए इनके इस बयान व कथन का बीएसपी पूरे तय दिल से स्वागत भी करती है और इससे अब हमारा काम भी और काफी आसान हो गया है। और हम भी यही चाहते हैं कि सपा का एमएलसी के लिए दूसरा खड़ा किए जाने वाला उम्मीदवार किसी भी कीमत पर ये चुनाव नहीं जीतना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति व धर्म का क्यों ना हो या फिर कोई दलित व्यक्ति भी इनका खास गुलामी क्यों ना हो। अर्थात जो अपने संतों, गुरुओं वे महापुरुषों के अनादर किए जाने के मामले में सपा का समर्थक ही क्यों ना हो कोई दलित, जिसने अपनी सरकार के समय में इनके नाम पर बीएसपी सरकार द्वारा अनेकों जिलों, यूनिवर्सिटी व जनहित की योजनाओं आदि के रखे गए नामों को ही बदल दिया है, ऐसे इनके दलित व गुलाम समर्थक प्रत्याशी को भी
फिर हमारी पार्टी किसी भी कीमत पर उसे जीतने नहीं देगी, क्योंकि जिस प्रकार से इस पार्टी ने राज्यसभा चुनाव में षड्यंत्र के तहत एक पूंजीपति को उतार कर वह उसके जरिए बीएसपी के विधायकों की खरीद फरोख करके बीएसपी द्वारा राज्यसभा के लिए खड़े किए गए एक दलित जाति के ईमानदार व मिशनरी उम्मीदवार का पर्चा खारिज कराने की हर संभव पूरी पूरी कोशिश की है, उसे छोड़ देना भुलाना हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बल्कि उसका इनको यही सही जवाब भी होगा जब इनका दूसरा कैंडिडेट हार जाएगा। हालांकि आखिर में इनको इस मामले में हार का ही मुंह देखना पड़ा है, हथकंडे तो बहुत इस्तेमाल किए हैं, हालांकि आखिर में इनको इस मामले में हार का ही मुंह देखना पड़ा है और आज बीएसपी के उसी उम्मीदवार को राज्यसभा में जाने का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। लेकिन इस लड़ाई को जीतने में मीडिया सहित सभी का जो भी हमें सहयोग मिला है उनका मैं हार्दिक दिल से आभार भी प्रकट करती हूं। और अब मैं अंत में उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की कुछ सीटों पर विधानसभा के लिए हो रहे उपचुनाव में व इनके साथ ही बिहार प्रदेश में भी हो रहे विधानसभा आम चुनाव में वहां के मतदाताओं से यही अपील करती हूं कि वे सर्वजन व सर्वधर्म हिताय एवं सुखाय के लिए मेरी इन सब बातों को खास ध्यान में रखकर वे अपना वोट काफी सोच समझ के अपनी खुद की सही पार्टी को ही दें और साथ ही बिहार प्रदेश में भी अपने सही नए बने गठबंधन को ही दें, तभी फिर यहां प्रदेश व आम जनहित में लोकतंत्र सही हाथों में सुरक्षित रह सकता है तथा तभी फिर यहां भारतीय संविधान के मुताबिक धर्मनिरपेक्षता की जड़ें भी सही मजबूत हो सकती हैं, जिसकी इस समय यहां काफी सख्त जरूरत भी है। इसके साथ ही यहां मैं मतदाताओं को ये भी सावधान करना चाहती हूं कि वोट पड़ने से पहले, क्योंकि चुनाव प्रचार बंद हो गया है, तो वोट पड़ने से पहले तो जो विरोधी पार्टियां हैं, हमारी विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके तो हमारे लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगी, खास तौर से बीएसपी के लोगों को गुमराह करने की कोशिश करेंगी किस्म किस्म के। जैसे मुझे बुलंदशहर में बताया गया कि एक बीजेपी के लोगों ने एक वीडियो वायरल किया है कि बीएसपी ने हमको आशीर्वाद दे दिया, बिल्कुल गलत है, झूठ है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। चाहे बुलंदशहर का मामला हो या अन्य 6 सीटों का या मध्य प्रदेश में जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं 28 सीटों पर उनका मामला हो या बिहार में जो जनरल इलेक्शन हो रहे हैं वहां दूसरे चरण में कल चुनाव होने वाले हैं, मैं इन सब चुनावों के बारे में ये कहना चाहती हूं कि बीएसपी ने जहां तक ये प्रचार करे बीजेपी को वोट देने के लिए अपील की है, मेरी ओर से बिल्कुल गलत है, जिसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। बिहार में हमारा जो नया गठबंधन बना है बीएसपी पूरी ईमानदारी निष्ठा से अपने नए गठबंधन के साथ है और वहां पर हमारे जो, इसलिए मैं वहां के भी मतदाताओं से अपील करती हूं कि वोट पड़ने से कुछ घंटे पहले जो विरोधी पार्टियां हैं, जो जातिवादी सांप्रदायिक संकीर्ण व पूंजीवादी पार्टियां हैं, वो पूर्व की तरह, ये कोई नया नहीं है, किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके ये जो किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके जो हमारी पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहती है उससे ये सावधान रहे। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूं। धन्यवाद।